हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है, एक्सरसाइज है 4B, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर का नाम है और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद है तो आपको लाइक होगा ही। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए अपने दोस्तों ताकि वो भी इससे फायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। क्वेश्चन क्या है? ड्रो द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y = 3x का आपने ग्राफ प्लॉट करना है और फिर फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 2 एंड x = -2। ग्राफ से आपने वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 2 हो और जब x की वैल्यू -2 हो। आपको y की वैल्यू निकालनी है, ग्राफ की मदद से निकालनी है, क्लियर है? तो अभी हम x की कम से कम ये दो वैल्यू तो नहीं लेंगे, हम कोई और वैल्यू लेंगे, ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए। तो देखिए कैसे होगा ये। सी सोल्यूशन नंबर 2, इक्वेशन हमें जो दे रखी है y = 3x वो मैंने लिख दी। अब आपने x की वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग x = 1। तो y की वैल्यू कितनी आई, 3 × x जगह रखा 1, 3। टेबल 7 के 7 फील कर लेंगे, इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 1 रखी, वाई की वैल्यू 3 आई। पुटिंग x = 0, वाई की वैल्यू आएगी 3 × 0 मतलब 0, 3 × 0 0 होती है, 0 0। पुटिंग x = -1, वाई की वैल्यू हुई 3 × -1, तो प्लस का निशान है 3 का, प्लस माइनस माइनस, 3 × 1 3, माइनस 1 रखी तो -3 आई है वैल्यू। अब इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है तो कार्टेशियन प्लेन पहले तैयार कर लेते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन है, ये तैयार हो गया। मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे 1 लेने की बजाय 2 लिया है, इस तरीके से 1 2 3, इस ये मैंने मार्क की है। अब जो सॉल्यूशन हमें मिले हैं 3, कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, याद रखिएगा, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे 3 सॉल्यूशंस का। एक है 1 3, राइट, 1 3, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3, ये हो गया। नेक्स्ट है 0 0, ये है 0 0, फिर है -1 -3, -1 -3, तो वो ये वाला पॉइंट आ रखा है, ऐसी लाइन आएगी, ठीक है। जब पेंसिल से आपने कर रखा होता है उसको मिटोगे, कहीं और लिख देते हैं -3 को, जो ये इसके साथ मिक्सिंग सा हो रखा है। तो चलिए अब तो आपको समझ में आ ही गया है वैसे। अब ये देखो, अगर 3 पॉइंट आपने लिया और वो तीनों एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर आए ना, तो आपका ठीक है, नहीं तो आपका गलत है। यही तरीका होता है, तभी करके मैं आपको कहता हूँ कि 3 सोल्यूशन आपने कम से कम निकालने हैं, एक ही लाइन पर आ रखे हैं तो ये ठीक है आपका। और दो अगर आप सोल्यूशन निकालते हो, दो कोई भी कहीं पर भी लगा दो, यहाँ यहाँ लगा दो, यहाँ यहाँ लगा दो, ये तो स्ट्रेट लाइन पे इनकी तो लाइन ड्रॉ की ही जा सकती है। लेकिन अगर 3 पॉइंट लिए और एक अलग दो मतलब कोई और जगह पे आ जाता है और सीधी स्ट्रेट लाइन पे नहीं आते तीनों पॉइंट, तो फिर कहीं ना कहीं गलती है। तो फिर आप चेक कीजिए और आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी, ठीक है। इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखने हैं 0 0, ये है 1 3, ये है -1 -3। अब जो इसने कहा था, क्वेश्चन के अंदर कह रखा है हमें, वो काम हम करते हैं। हमसे कहा गया है कि y की वैल्यू निकालनी है, फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 2। तो इसके लिए करते हैं x = 2।
टू, एक्स की वैल्यू टू है, यहाँ पर सीधी लाइन आपने ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तो काटेगी नहीं, ऊपर की तरफ काट ले, काट रही है, ये एग्जैक्ट पॉइंट आ रखा है। तो इसको इस तरीके से आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर भी आपने इसको करनी है सो। तो ये जो पॉइंट आया है ये है 2/6, तो y का क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट हमें निकालना है जब x की वैल्यू -2 हो, क्लियर है, x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -2 है, ये रही, सॉरी ये -2, अब ऊपर की तरफ नहीं आएगी क्योंकि ऊपर की तरफ काटेगी नहीं, नीचे की तरफ काट रही है, तो -2 पर मैं इसको कर देता हूँ, -2 नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। अब आप चेक करने के लिए कि वैल्यू सही आई है या नहीं, तो यही वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करके देखिए, तो -6 आ रखी है, व्हेन एक्स इजिकल टू -2, वाई की वैल्यू आई -6, ये वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए, व्हेन एक्स इजिकल टू -2, वाई इक्वल टू -6, ये आंसर हो गया, इसके लिए आंसर ये वाला हो गया, ठीक है ना, क्लियर हुआ आपको, गुड। अब पुट करके कैसे देखनी है, जैसे आपने यहाँ पर सोल्यूशन निकाले थे वैसे ही आप इसको कीजिएगा, यहाँ पर y इक्वल टू, जब x की वैल्यू -2 रखोगे तो ये -6 हो जाएगी y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगी, ऐसे आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन जिसमें हमने 3 सोल्यूशन निकाले, और ये है वो ग्राफ जो हमने प्लॉट किया। इक्वेशन लिखना मत भूलिएगा लाइन के ऊपर, वो है y इक्वल टू 3x, है ना, तो यहाँ पर मैंने y इक्वल टू 3x इक्वेशन लिख दी। कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने नहीं लिखे, कोऑर्डिनेट्स भी आपने लिखने ही लिखने हैं। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हुए लिख दिए मैंने, ओके, ये एक तो ये लिख रखा और ये वाला तो ये बता रखा है, एक ये वाला भी मैंने लिख रखा है। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो।